नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि एक छोटा सा गांव है। वैसे तो गांव बहुत बड़ा है, तो क्योंकि हिमाचल के गांव जो होते काफ़ी बड़े होते हैं, तो आपको इसमें दिखा रहा हूँ कि कैसा जंगल है, कैसे लोगों के घर होते हैं। आप देख सकते हैं, जैसे सामने दो घर दिख रहे हैं, इधर आपको ये पीछे घर दिख रहे हैं। तो दोस्तों, ये आधा किलोमीटर का फ़र्क है और आधे किलोमीटर के बाद एक घर है। तो देख सकते हैं इस वीडियो में और कितना घना जंगल है। और ये आप देख रहे हैं कितना बड़ा बरगद का पेड़ है। और यहाँ पर जो हजारों जड़ी बूटियाँ हैं जिनके बारे में यहाँ के लोग नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं। उनको सिर्फ ऐसे लगता है ये हर चीज़ खरपतवार है, काट कर फेंक दिया, मगर ये नहीं पता कि ये जो पहाड़ों के अंदर होती हैं वो औषधियाँ होती हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ पैदा होती है वो किसी औषधि से कम नहीं होती, क्योंकि नेचुरल है, हिमालय के अंदर होती है। और हिमाचल जो है हिमालय के अंचल में बसा हुआ है, इसलिए हिमाचल को हर स्टेट के लोग हिमाचल के लोगों को पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जो होते हैं शरीफ और ईमानदार होते हैं। और साथ में हिमाचल जो है घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। आप देख सकते हैं, इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ ऐसे, ये नहीं, ये तो एक छोटी सी आपको जगह दिखा रहा हूँ, मगर इससे बड़े बड़े गांव है और अच्छी अच्छी जगह हैं जहां आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। दोस्तों, ये जो है कितनी बूटियां हैं देख सकते हैं आप, और नीचे देख सकते हैं कितना घना जंगल है। ये मेरे ख्याल से 3 या 4 किलोमीटर बड़ा जंगल है सामने। यहां पर बताया जा रहा है अभी आजकल तेंदुआ भी आया हुआ, तेंदुआ रहता है यहाँ पर। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, एक छोटा सा विलेज दिखा रहा हूँ, सवाना विलेज है ये, बहुत ही अच्छा गांव है। और यहाँ पर कोई भी शोर शराबा नहीं है, यहाँ के लोग आराम से शांति से रहते हैं। और यहाँ पर ये झोंपड़ी बनाई गई है, लोग जंगलों के अंदर झोंपड़ी बनाते हैं रहते हैं। और आप देख सकते हैं इधर भी, इधर का भी नज़ारा भी। तो दोस्तों, सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है शीतला माता का मंदिर है, माता शीतला का मंदिर है हिमाचल में, बहुत पुराना मंदिर है। और ये जो आपको पेड़ दिख रहा है कितना बड़ा पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है। तो दोस्तों, बरगद का पेड़ जो होता है, कहते हैं इसके अंदर कॉस्मिक एनर्जी जो होती है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और हमारा ये राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय वृक्ष भी है बरगद जो होता है। आप देख सकते हैं, तो दोस्तों ऐसे यहाँ पर गिने चुने पेड़ होते हैं, इतने बड़े पेड़ होते हैं। देख सकते हैं आप कितना घना और कितना बड़ा बरगद का पेड़ है। आप इसके तने से अंदाज़ा लगा सकते हो कि तना इसका कितना मोटा, मेरे ख्याल से 1000 साल से भी बड़ा है। और कितना घना है आप देख सकते हैं, कितना बड़ा पेड़ है बरगद का। दोस्तों, ये कई हजार साल पुराना है, मेरी उम्र 35 साल हो गई, तो मैंने 35 साल में ये पेड़ ऐसे देखा है। कह रहे जब पेड़ की उम्र बहुत ज़्यादा होती है तो पेड़ के ऊपर से ही जड़ें निकलती हैं। सामने देख रहे हैं कितनी बड़ी जड़ है, ये ऊपर से गिरी हुई है और ज़मीन के अंदर है। ऐसा जो पेड़ होता है बहुत ही पुराना पेड़ होता है, और बहुत ही इस पर काफ़ी चीज़ें, जैसे तांत्रिक लोग होते हैं वो इन चीज़ों को ढूंढते रहते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा पेड़ है। तो दोस्तों, साथ में सड़क है, एक आधी गाड़ी कभी कभार चल जाती है, इससे ज़्यादा नहीं होता इसमें। इतना घना जंगल है, आगे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ भी तेंदुआ जाता है। तो यहाँ के लोग जो है डरते नहीं हैं, इसलिए तेंदुआ उनको कम खाता है। जो लोग डरते हैं उनको तेंदुआ खा जाता है।
ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा बरगद का पेड़ है और साथ में झोंपड़ी है। तो दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियोस में देखा, ये छोटा सा गांव है हिमाचल का और बहुत ही सुंदर गांव है। आगे पीछे जंगल है, चारों तरफ नेचुरल चीज़ें हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको इससे भी अच्छी से अच्छी यहाँ की चीज़ों के बारे में बताता रहूँगा और इससे अच्छी जगह, अच्छी से अच्छी जगह बताऊँगा, क्योंकि हिमाचल के अंदर हर चीज़ें इससे भी अच्छी हैं और नेचुरल है। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।